और अब बात बंगाल की सियासी हलचल की, जहां चुनाव से पहले ममता सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। गो तस्करी और अवैध खनन के घोटाले में सीबीआई के हाथ एक डायरी लगी, जिसमें करोड़ों के अवैध लेन देन का जिक्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेन देन के तार तृणमूल के नेताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बंगाल में ममता सरकार पर मवेशी घोटाले की आंच, एक डायरी से 1000 करोड़ के घोटाले का खुलासा। अभिषेक बनर्जी के करीबी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। यह है टीएमसी युवा विंग के महासचिव विनय मिश्रा, जिन्हें सीबीआई के साथ ईडी और आयकर विभाग की भी तलाश रही है। और ये है वेस्ट बंगाल प्रदेश तृणमूल यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी वो दस्तावेज, महासचिव बनाए जाने का ऐलान है। 23 जुलाई 2020 को जारी इस दस्तावेज पर टीएमसी के सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर भी, और पेज नंबर 2 पर विनय मिश्रा का नाम भी है। इसी विनय मिश्रा के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी लगातार जारी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विनय मिश्रा का नाम तब सामने आया जब एक बड़े स्मगलर के यहाँ छापे के दौरान एक डायरी मिली। इस डायरी में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था कि अवैध काम के बदले किस पुलिस थाने को और किस अधिकारी को कितना पैसा दिया जाता है। इस डायरी में राजनेताओं के लिए हायर अप्स कहकर यह जिक्र भी था कि उन्हें अब तक करोड़ों रुपया दिया जा चुका है। यह आसनसूल का अनूप मांझी उर्फ लाला, जिस पर अवैध खनन समेत अनेकों आरोप हैं। ये भी इल्जाम है कि लाला अपने धंधे में शामिल लोगों से पैसे जमा कर हायर अप तक पहुंचाता था और बदले में सबको पूरा संरक्षण मिलता है। डायरी में साफ तौर पर लिखा है कि अवैध धंधे के बदले किसे कितना पैसा दिया गया। अनूप लाला वही शख्स है जिसके बारे में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं। लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। ये है इस खुलासे का तीसरा किरदार, कुख्यात कैटल स्मगलर इनामुल हक, जिसे सीबीआई ने दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया है। और अब तक की जांच के दौरान इसके तार भी विनय मिश्रा से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये दो बड़े कथित सरगना पैसे वक्त हायर अप के लिए देते थे, और आरोप है कि हायर अप के नाम पर विनय मिश्रा ये पैसे लेता था और इन पैसों को बड़े नेताओं और मंत्रियों तक पहुंचाया जाता था। दोलाबाज भाई को हटाओ बोले छिलाम खूब गाय लेके गए छे, भीषण गाय लेके गए छे, ए तो आस्ते आस्ते करे गोछे लाला एनामूल কে বিনয় মিশ্র পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল যুব কংগ্রেস, যাকে বলি আমি লাল চুল কানে দুল, তার নাম যুবা তৃণমূল। এই মডেলের নেতার নাম হচ্ছে বিনয় মিশ্র, তার চারটা বাড়িতে সিবিআই ঢুকে পড়েছে। বিনয় মিশ্র কো বঙ্গাল সত্তা কে গলিয়ারে মে বেহদ ক্লোজ মানা জাতা হে। এসে মে যাঁচ এজেন্সিয়াঁ জাননা চাহতি হ্যায় কি হায়ারাপস কন হে অর আব তক ইনহে কিতনা পয়সা দেশ অর বিদেশ মে পৌঁছায়া জা চুকা হে। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी के मुताबिक अब तक की जांच से पता चला है कि इन हायर अप्स को प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचाए जाते रहे हैं। ये डायरी दे पा गए छे बीएम, अरे से बीएम माने की, से बीएम माने की बीएमडब्ल्यू, बीएम एर फुल फॉर्म की होते पड़े सेटा सबाई जाने। अरे बाबुल सुप्रियोर मुख बंद करे की करबे, मानुष ही तो बोलछे, सेटाई तो सबसे बड़ प्रमाण, ओई प्रमाण ही आदालते जाबे, तारपर ओई नील सादा रंग करा आलिपुर जेल तृणमूले भरे जाबे।
विनय मिश्रा को सीबीआई ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उससे ही पहले इसे पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश की जा रही है। आउटलुक नोटिस भी जारी किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि विनय मिश्रा बांग्लादेश के रास्ते विदेश फरार हो चुका है। ऐसे में यदि 4 जनवरी को विनय मिश्रा सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में न सिर्फ इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि ममता सरकार के लिए भी बीजेपी के तीखे सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।